एकीकृत बाल विकास सेवा योजना ICDS। इस योजना के अंतर्गत गर्भवती व शिशुवती महिलाओं एवं 6 माह से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों के स्वास्थ्य, पूरक पौष्टिक आहार आदि के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन किया जाता है। इन केंद्रों में बच्चों का नियमित टीकाकरण, स्वास्थ्य परीक्षण के साथ साथ उनकी बढ़ती आयु के अनुसार उचित पूरक पौष्टिक आहार उपलब्ध कराया जाता है। यहाँ छोटे बच्चों में विद्यालय पूर्व प्रारंभिक शिक्षा व स्वास्थ्य शिक्षा पर भी ध्यान दिया जाता है। यह उम्र बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। इस उम्र 5 वर्ष तक में बच्चों का लगभग 90% तक मानसिक विकास हो जाता है। यदि इस उम्र के बच्चों की उचित देखभाल न की जाए तो बच्चे बीमारी एवं कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। राष्ट्रीय पोषण संस्थान हैदराबाद NIN के एक सर्वेक्षण के अनुसार हमारे देश में इस आयु वर्ग के लगभग 43% बच्चों का उम्र के अनुसार वजन कम है। यह ICDS कार्यक्रम के लिए एक बड़ी चुनौती है। विकास की समझ अध्याय के तालिका क्रमांक 17.5 में आपने पढ़ा है कि इस उम्र के बच्चों में कुपोषण का प्रतिशत अधिक है। जन्म के बाद बच्चों का सही तरीके से शारीरिक विकास हो रहा है या नहीं, इसे जांचने के लिए आयु के अनुसार वजन सारणी का प्रयोग करते हैं। इस सारणी को हम किसी भी आंगनबाड़ी केंद्र में जाकर देख सकते हैं। आरेख क्रमांक 20.1 देखें। लड़के एवं लड़कियों के लिए यह पृथक पृथक होती है। इस सारणी में जन्म से 60 माह 5 वर्ष तक के उम्र के बच्चों का वजन दर्ज किया जाता है। यदि बच्चे का अंकित वजन सामान्य वजन के संकेतक में आता है तो उसका वजन सामान्य होता है। मामूली कुपोषण के संकेतक में उम्र के अनुसार वजन कम, सामान्य कुपोषित तथा गंभीर कुपोषण के संकेतक में होने की स्थिति में बच्चे का वजन अत्यंत कम, गंभीर कुपोषित होता है। ऐसी स्थिति में बच्चे की पर्याप्त देखभाल व उनके लिए अतिरिक्त पोषक आहार की आवश्यकता पड़ती है। सामान्य रूप से जन्म से 6 माह तक बच्चों को केवल माँ का दूध एवं 6 माह के पश्चात अन्य पोषक आहार थोड़ी थोड़ी मात्रा में थोड़े थोड़े समय के अंतराल पर देते रहना चाहिए। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम MDM। ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो बिना भोजन किए अथवा बहुत कम खाकर स्कूल जाते हैं, जिसके कारण अध्ययन करने के लिए आवश्यक ऊर्जा नहीं मिल पाती। इससे उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता। विद्यालयीन बच्चों में इस समस्या को दूर करने एवं खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु मध्याह्न भोजन कार्यक्रम जैसी महत्वपूर्ण योजना चलाई जा रही है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम भारत के समस्त राज्यों के सरकारी विद्यालयों, प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक में चलाया जाने वाला एक प्रमुख कार्यक्रम है। 6 से 14 वर्ष तक के उम्र के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के साथ साथ मध्याह्न भोजन भी, दोपहर का भोजन दिया जाता है। शासन द्वारा निर्धारित मेनू के अनुसार इन्हें उच्च गुणवत्ता युक्त पौष्टिक आहार दिया जाता है। बाजार एवं क्रय शक्ति। अधिकांश व्यक्ति अपनी खाद्यान्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बाजार पर निर्भर रहते हैं। कृषक वर्ग स्वयं के लिए कई अनाजों का उत्पादन कर लेते हैं तथा कुछ अनाजों की पूर्ति हेतु बाजार पर निर्भर रहते हैं। गैर कृषक वर्ग जैसे मजदूर, व्यापारी, नौकरी पेशा आदि लोग अपनी खाद्य आपूर्ति के लिए ज़्यादातर बाजार पर निर्भर होते हैं। जिन लोगों की क्रय शक्ति अच्छी होती है वे बाजार से पर्याप्त मात्रा में खाद्य पदार्थ खरीद लेते हैं। जिनकी क्रय शक्ति कमज़ोर होती है वे सरकार के विभिन्न खाद्य योजनाओं के साथ साथ बाजारों से भी खाद्य वस्तुएं खरीदते हैं, पर इनकी क्रय शक्ति कमज़ोर होने के कारण ये लोग पर्याप्त मात्रा में पोषक आहार नहीं खरीद पाते हैं। लंबे समय तक पोषक आहार की कमी से शरीर कई बीमारियों व कुपोषण जैसी स्थिति से ग्रसित हो जाता है। हमारे शरीर को भोज्य पदार्थों से मिलने वाली ऊर्जा का मापन कैलोरी से किया जाता है। शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए 2100 किलो कैलोरी
एवं ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत मेहनतकश लोगों को प्रत्येक दिन में 2400 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हमारे देश में NSSO के एक सर्वे में बताया गया कि दोनों ही क्षेत्र शहरी एवं ग्रामीण स्तर पर औसत कैलोरी का स्तर आवश्यकता से कम है। वर्ष 2004 में हुए एक सर्वेक्षण के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को उनके समस्त खर्चों के आधार पर 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक वर्ग के लिए भोज्य पदार्थों में किए गए खर्च के जो आंकड़े प्राप्त हुए वे आरेख 20.2 पर प्रदर्शित हैं। आरेख 20.2 ग्रामीण भारत में कैलोरी की मात्रा प्रति व्यक्ति। आरेख 20.2 के आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि प्रथम वर्ग के लोगों में अपनी प्रतिदिन आवश्यक 2400 कैलोरी की तुलना में बहुत कम 1624 कैलोरी है। यह स्थिति दूसरा वर्ग एवं तृतीय वर्ग के लोगों में भी है जिन्हें आवश्यकता से कम कैलोरी प्राप्त हो रही है। इन मेहनतकश लोगों के न्यूनतम कैलोरी प्राप्त करने का सबसे प्रमुख कारण इनकी क्रय शक्ति का कमजोर होना है।